मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे। अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा, तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, हमारे यहाँ औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है, और उसके बाद भी हमारे यहाँ काम काज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी।